गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ सुनील प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट UPSEE 2020। तो प्रिय बच्चों, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के लिए बच्चों, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हुए हैं सबको 50-50 क्वेश्चंस के पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा, जिससे कि आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। तो बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेपर टू है उसकी बुकलेट में क्या क्या दिया रहता है और आपको क्या क्या इसमें ध्यान से पढ़ना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुक्रमांक दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप अनुक्रमांक लिखेंगे और उसके बाद आपका OMR सीट नंबर जितना भी दिया होगा तो यहाँ लिखेंगे। और डिक्लेरेशन घोषणा पे जो दिया गया है उसको आप इस नंबर पे लिखेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। परीक्षा यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे। यहाँ आप परीक्षार्थी का नाम, कैंडिडेट का नाम जब भी आप लिखिए तो कोशिश करिए कि आप हमेशा कैपिटल लेटर में ही नाम लिखें, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका कोड दिया गया है, तो बुकलेट कोड आपका क्या है, AA दिया गया है। परीक्षा केंद्राध्यक्ष की मुहर लगेगी, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा और परीक्षार्थी को दिए गए पैराग्राफ की नकल स्वयं की हस्तलिपि में रिक्त स्थान पर नकल कॉपी करनी है, ठीक है। यही लिखना है कि आप सही व्यवसाय में हैं। यह आप तभी जानेंगे जब आप काम पर जाने के लिए चिंतित हैं। आप नित्य अपना काम सबसे अच्छा करना चाहते हैं और अपने कार्य के महत्व को समझते हैं, ठीक बच्चों। तो इसी तरह से जो है आप यहाँ पे अपने हस्तलिपि में ये नकल की कॉपी करके आपको नोट करना है। यहाँ पे आप नीचे आप देखते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि इस भाग में आपको अपने हस्तलिपि में लिखना है जो कुछ ऊपर दिया गया था। उसके बाद में प्रश्न पुस्तिका में पृष्ठ संख्या कितनी है, टोटल 36 पेज की होगी। टाइम कितने 3 आवर्स का होगा। अंक कितने 600 मार्क्स के होंगे, जो कि आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। तो बहुत अच्छे से आप करिए कि जिससे कि आपके जो 4 नंबर हैं वो आपकी तरफ आ जाएं। प्रश्न पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या कितनी है, 150 है। यहाँ पे आप अपना क्या लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ कक्ष निरीक्षक की साइन होगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप ध्यान से देख सकते हैं कि नीचे कुछ दिए गए हैं, आपके आवश्यक निर्देश, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि OMR उत्तर पत्रिका में गोलों तथा सभी प्रविष्टियों को भरने के लिए केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें। सिक्योरिटी सील खोलने से पहले अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, रोल नंबर, OMR सीट क्रमांक की सबका आदि के मिलान कर ले, अन्यथा वो जो है अगर गलत भर दिए तो इसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है उस पर कोई अंक नहीं दिया जाए, गलत उत्तर पर अंक नहीं काटा जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, समझ लीजिए। सभी बहुविकल्पी प्रश्नों में एक ही विकल्प सही है जिस पर अंक दे होगा। गणक, लॉग टेबल, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्लाइड रूल इत्यादि का प्रयोग वर्जित है। अभ्यर्थी को परीक्षा का छोड़ने की अनुमति परीक्षा अवधि की समाप्ति पर ही दी जाएगी। यानी 3 घंटे से पहले आप कहीं भी आ जा नहीं सकते हैं, सिर्फ टॉयलेट के लिए आ जा सकते हैं बस। और इसके बाद
यदि किसी अभ्यर्थी के पास पुस्तकें, लिखित सामग्री या किसी प्रकार की कोई भी वर्ज्य पदार्थ उनके पास पाया जा रहा है, उसे भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किसी भ्रम की दशा में प्रश्न पुस्तिका में अंग्रेजी अंश को ही सही व अंतिम माना जाएगा। तो बच्चों, जब भी आप ध्यान दीजिए तो हिंदी में दिया रहेगा जरूर क्वेश्चंस, लेकिन आप उसका हिंदी का जो है एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि इंग्लिश वर्जन साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट इंग्लिश वर्जन ही होता है। तो वैसे भी देखना सभी को चाहिए, हिंदी के अलावा इंग्लिश वर्जन भी देख लें, क्योंकि बहुत से हिंदी में वर्ड ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, OMR सीट इस पेपर के भीतर है और उसे बाहर निकाला जा सकता है, परंतु पेपर की सील केवल पेपर शुरू होने के समय पर ही खोला जाएगा। यानी जैसे ही बेल लगेगी पेपर स्टार्ट होने के लिए, ओपन करने के लिए, वैसे ही आप अपना जो है सील को, बुकलेट की सील को आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर पे जो क्वेश्चन से दिए गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन किसके होंगे, फिजिक्स के होंगे, जो कि हम केवल एक ही पार्ट में अपलोड करेंगे। 50 क्वेश्चन फिजिक्स के एक पार्ट में, फिर सेकंड पार्ट में 51 से 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अपलोड करेंगे, फिर बायोलॉजी के 101 से 150 तक क्वेश्चन। ठीक है, तो हम केवल आपको यही कोशिश करेंगे, आपको आंसर बताते जाएंगे। और वैसे भी आप लोगों ने क्लास 11th एंड 12th बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, और अभी अभी तो अभी तक आपका जो है सारा कुछ नॉलेज क्या है, बहुत अच्छा है, आप बेटर कर पाएंगे। बस केवल आपको क्या है, एक बार रिवीजन करना है। तो बच्चों, मैं आपको जो है यहाँ पे रिवीजन कराने की कोशिश में हूँ कि मैं आपको फिजिक्स का क्वेश्चन की जो है यहाँ पे रिवीजन कराता जाऊँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको रिवीजन कराऊँगा कि कौन से प्रश्न किस तरह से आए हैं और उसका क्या आंसर होगा। तो आप केवल प्रश्नों को देखिए और उसके आंसर देखिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि एक तार का द्रव्यमान 0.1 ± 0.001 ग्राम, त्रिज्या यानी रेडियस उसकी कितनी है 0.5 ± 0.005 मिलीमीटर, मिमी का मतलब मिलीमीटर, तथा लंबाई कितनी है 10 ± 0.1 ठीक सेंटीमीटर, उसके घनत्व मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा उसको बताना है। तो आप सोच लिए होंगे कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, ये देखो डी नंबर हो जाएगा। एक वस्तु एक घर्षण रहित नत समतल पर प्रारंभिक विरामावस्था से नीचे की ओर सरकती है, यदि SN और SN+1 क्रमशः वस्तु द्वारा NV और N+1 सेकंड में चली गई दूरियां हों, तो SN+1/SN अनुपात है। तो इसका फार्मूला क्या हो सकता है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आइए इसी तरह से हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर है, ऊर्ध्वाधर तल में एक प्रक्षेप्य का वक्र पथ y = α(x − β)² है, जहां अल्फा और बीटा नियतांक यानी कांस्टेंट हैं, तथा एक्स और वाई क्रमशः प्रक्षेप की प्रक्षेप बिंदु से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरियां हैं, प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है। तो इसमें से आप समझ सकते हैं कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका 3 का B आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी α/2β। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि नगण्य द्रव्यमान की एक रस्सी यम द्रव्यमान की
एक बंधी हुई घिरनी के ऊपर से गुजरते हुए चित्र के अनुसार यम द्रव्यमान की एक वस्तु को साधती है। क्लैंप द्वारा घिरनी पर कार्यकारी बल है। तो आप बताइए बेटा, इसको देख करके इसका कौन सा फार्मूला यहाँ पे फिट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा अंडर रूट एम प्लस एम होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी। थैंक यू बेटा, आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यक्स वाई तल में एक बल के अंतर्गत गतिशील एक कण का संवेग निम्न है। वेक्टर पी टी ऑफ होल इज इक्वल ए वेक्टर आई कॉस बी टी माइनस वेक्टर जे साइन बी टी, जहाँ ए और बी कांस्टेंट हैं, बल तथा संवेग के मध्य कोण है। तो कितने एंगल का कोण यहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पे आपका आपने आंसर ढूंढ लिया होगा कि यहाँ पे 5th का ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री। अब इसी के साथ केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाला रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह आधारित है संरक्षण सिद्धांत पर। किस तरह के संरक्षण सिद्धांत पर यह आधारित है? तो क्वेश्चन आप जान चुके होंगे, कोणीय संवेग। ठीक है बच्चों, कोणीय संवेग। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम देखते हैं कि एक सरल रेखा में गतिशील कण का मंदन उसके विस्थापन के समानुपाती है। किसी विस्थापन x के लिए उसकी गतिज ऊर्जा में 6 समानुपाती है। आप ध्यान से देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 7 का? तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, x स्क्वायर। यम द्रव्यमान और आर त्रिज्या की एक चकती W कोणीय वेग से चित्रानुसार एक क्षैतिज तल पर लुढ़कती है। केंद्र O के सापेक्ष चकती के कोणीय संवेग का परिमाण है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। बी मतलब 3/2 एम बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन नंबर नाइन में आप ध्यान दीजिए कि एक सरल लोलक का आवर्त काल टी है। यदि इसके निलंबन बिंदु को संबंध y = yt² के अनुसार जहां लेमडा एक नियतांक है ऊपर गति कराएं, तो इसका नया आवर्त काल t1 किसके समान होगा या अधिक होगा या कम होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो टी के कम होगा। कौन सा सही होगा? टी के कम होगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ताप बढ़ाने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, भैया टेम्परेचर बढ़ने पर किसी द्रव का क्या सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विथ इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। तो जब ताप बढ़ेगा तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? पृष्ठ तनाव उसका सरफेस टेंशन घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10th का बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेंशन यानी कि जब भी ताप बढ़ाएंगे आप किसी द्रव का, तो फिर सरफेस टेंशन क्या होगा? घटेगा। ताप बढ़ने पे किसी द्रव का सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस टेंशन घटेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग देखते हैं कि रेनॉल्ड संख्या का विमीय सूत्र समान है। तो रेनॉल्ड संख्या का विमीय सूत्र समान है, किसके समान पूछ रहा है? श्यानता गुणांक के, घर्षण गुणांक के, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के, प्रकाश के, वेग के। तो रेनॉल्ड संख्या,
तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 11th देखेंगे तो रेनॉल्ड संख्या का विमीय सूत्र समान होता है घर्षण गुणांक के, किसके होता है घर्षण गुणांक के। यहीं पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए तो 200 मीटर गहरी एक झील में एक गेंद को गिराने पर झील की तली में 0.1% आयतन में कमी हो जाती है। गेंद के पदार्थ का आयतन प्रत्याशा गुणांक क्या होगा? तो यहाँ पे आपको आंसर मालूम चल गया होगा कि 1.96 × 10⁻¹² यानी ट्वेल्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आइए 13 नंबर पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में एक मील एक परमाणु गैस, यहाँ पे ध्यान देना है कि एक मोल एक परमाणु गैस क्या दिया गया है, गामा इज इक्वल 5/3 को एक मोल द्वि परमाणु गैस गामा इज इक्वल 7/5 से मिलाया जाता है, तो इस मिश्रण के लिए गामा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे 1.50, ठीक है 1.50। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक आदर्श एक परमाणु गैस को दाब आयतन चित्र में प्रदर्शित चक्र ABCDA के परितः ले जाया जाता है, PV चक्र के दौरान कृत कार्य है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? 14 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा, ए का मतलब PV, ठीक है ए ऑप्शन सही होगा PV, ठीक है। तो आइए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कि दो तारें क्रमशः तरंग दैर्घ्यों 4000 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जित करते हैं। दो तार हैं और क्रमशः 4000 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम पर अधिकतम विकिरण उत्सर्जित करते हैं, उनके तापों का अनुपात क्या होगा? तो उनके तापों का अनुपात क्या होगा? तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना आ गया होगा आंसर, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, यानी आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो इनका रेशियो पूछा गया है टेम्परेचर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3:2, यानी कि 15 का आंसर 3:2। एक कार्नो इंजन स्रोत से 500 केल्विन पर 300 कैलोरी ऊष्मा लेता है तथा 150 कैलोरी ऊष्मा सिंक को दे देता है, सिंक का ताप, तो सिंक का यहाँ पे आपको ताप बताना है कितना होगा, तो यहाँ पे आपको बताना होगा सिंक का ताप, ठीक है कितना होगा, तो यहाँ पे आप 250 केल्विन 250 आंसर इसका सही हो जाएगा। ऊष्मा पारगमन की दर अधिकतम होती है किसमें होती है? द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज मैक्सिमम इन, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज मैक्सिमम इन, ऊष्मा की पारगमन दर अधिकतम किस में होती है? चालन में, संवहन में, विकिरण में, उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिएशन में होती है, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज मैक्सिमम किस में होती है? रेडिएशन में, यानी कि विकिरण में होती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है कि बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, 0° C की 10 ग्राम बर्फ को उसी ताप के पानी में परिवर्तित करने के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन है, तो कितना होगा इसका परिवर्तन? तो 2.93 कैलोरी के,
इसका ऑप्शन सही होगा बी नंबर, ठीक है ना, 2.93 कैलोरी। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो 20 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से गतिशील एक पुलिस कार जिसके सायरन की आवृत्ति 8 किलो हर्ट्ज है एक ऊंची इमारत की ओर अग्रसर है तथा यह ध्वनि तरंगों को परिवर्तित कर देती है। यदि वायु में ध्वनि का वेग 320 मीटर प्रति सेकंड हो तो कार चालक को श्रव्य सायरन की आवृत्ति कितनी होगी। तो यही आपको यहाँ से ध्यान से बताना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा कि यहाँ पे 9.1 किलो हर्ट्ज, ठीक है, कितना होगा 9.1 किलो हर्ट्ज, मतलब कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। दो तरंगे हैं x1 इज इक्वल ए साइन wt प्लस पाई बाई 6 और x2 इज इक्वल ए कास wt के मध्य कालांतर है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 20 का आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे पाई बाई 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल निर्भर नहीं करती है, किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल निर्भर नहीं करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि तरंगों की चाल जो है किस पर निर्भर नहीं करती है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए किस पर निर्भर नहीं करती है। किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों की चाल निर्भर नहीं करती है किस पर, दाब पर। किस पर निर्भर नहीं करती है, दाब पर। बी नंबर सही हो जाएगा। समान तीव्रताओं तथा आवृत्तियों 300, 301 तथा 302 हर्ट्ज वाले तीन ध्वनि स्रोतों द्वारा प्रति सेकंड श्रव्य विस्पंदों की संख्या कितनी होगी। अब देख रहे हैं ना यहाँ पे आवृत्तियाँ फ्रीक्वेंसी दिया गया है 300, 301 और 302, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको श्रव्य विस्पंदों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि 22 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 1, ठीक है। अब आइए देखते हैं 23। तो यहाँ पे 23 हम लोग ध्यान देते हैं कि एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले धात्विक चाल से एक स्थिर धारा प्रवाहित होती है चालक की लंबाई के परितः, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। केवल धारा नियत है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। 24 नंबर में देखिए, क्रमशः वैद्युत वाहक बलों 6V और 3V तथा आंतरिक प्रतिरोधों 1 ओम 2 ओम को दो बैटरियों को चित्र के अनुसार जोड़ा गया है, ए और बी के बीच विभवांतर पूछ रहा है। तो आप बताइए ए और बी के बीच विभवांतर कितना दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 5, क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब आइए 25 क्वेश्चंस देखते हैं। 25 क्वेश्चन तो 25 क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित किया जाता है तथा आवेशन बैटरी को फिर हटा लिया जाता है। अब एक परावैद्युत पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रविष्टि कराई जाती है, निम्नांकित में कौन सत्य है। तो आप बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो संधारित्र से संबद्ध ऊर्जा घट जाती है, यानी 25 का डी नंबर, ठीक है। आइए यहाँ पे ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 को क्वेश्चन नंबर 26 आपको यहाँ ध्यान देना है कि एक वैद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट
200 वोल्ट 100 वाट अंकित है, 200 वोल्ट 100 वाट अंकित है। इस बल्ब को 100 वोल्ट पर कार्य कराने पर उपयुक्त ऊर्जा कितनी होगी? तो 26 का यहाँ पे 25 वाट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन धारा प्राप्त होने का कारण है, विस्थापन धारा प्राप्त होने का कारण है तो कौन सा कारण हो सकता है? समयावर्ती वैद्युत क्षेत्र, समयावर्ती वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में देखिए कि 1 नैनोमीटर दूरी पर स्थित एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है, तो कौन सा इसका द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 28 का सी यानी कि 1.6 × 10⁻²⁸ कूलाम मीटर। ठीक है, इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 29 नंबर पे हम लोग देखते हैं कि 29 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है कि एक प्लेटिनम के तार का 0 °C पर प्रतिरोध 100 ओम है। यदि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0.0045 °C हो तो 60 डिग्री ताप पर इसका प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? 29 का यहाँ पे 127 ओम हो जाएगा। ठीक है, वह ताप जिसके ऊपर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे 30 का आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, क्यूरी ताप। क्या हो जाता है? क्यूरी ताप। आइए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, तो निम्नांकित में कौन वक्र एक लंबे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र बी को तार से दूरी आर के सापेक्ष प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, यहाँ पे डी नंबर। ई आवेश युक्त एक इलेक्ट्रॉन एक समान वेग वी से आर त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश गतिशील है, इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? ई वी आर वाई टू यानी कि 32 का 2। ठीक है, बी नंबर। आइए 33 हम लोग ध्यान से देखें कि 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 33 क्वेश्चन, नंबर का क्वेश्चन, आपको एक अमीटर एक धारा मापी और एक वोल्टमीटर दिया है, इनमें से अधिकतम प्रतिरोध वाली युक्ति है। तो यहाँ पे 33 का सी हो जाएगा, वोल्टमीटर। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। क्या सही हो जाएगा? वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, डी नंबर। आइए 35 क्वेश्चन देखें। 35 क्वेश्चन, भावर धाराएं उत्पन्न होती हैं जब एक धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक धातु को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक गोली कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक गोली कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है। तो 35 का यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एक धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। लेंज का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, 37 नंबर देखिए आप कि 1:4 तीव्रता अनुपात की दो क्लासबद्ध एक वर्णीय प्रकाश पुंज अध्यारोपित होते हैं, परिणामी पुंज में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा।
तो यहाँ 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर, मतलब कि 9:1। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है 38 नंबर पे चलते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर की बात है तो 38 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले एक उत्तल लेंस को 1.75 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है। यह व्यवहार करेगा, तो यह व्यवहार कैसा करेगा, 35 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की भांति, ऑप्शन डी। ठीक है, लाल और बैंगनी रंग की दो प्रकाश पुंज 60 अंश प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म से अलग अलग गुजारी जाती है। न्यूनतम विचलन को दशा में अपवर्तन कोण होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, 39 का, बी 30 अंश दोनों रंगों के लिए। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 पे। अब क्वेश्चन नंबर 40 पे ध्यान देना है कि दूरदर्शी को विभेदन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। 40 क्वेश्चन नंबर पे, तो यहाँ पे अभिदृश्यक के व्यास को बढ़ाकर, मतलब कि पहला ऑप्शन ल्यूमेन मात्रक है। ल्यूमेन बच्चों ये तो आपको मालूम होगा ना, किसका मात्रक है ल्यूमेन, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ठीक है ना, एक नंबर, चार नंबर आपको फ्री में मिल गए। जब I0 तीव्रता का आध्रुवित प्रकाश पुंज किसी पोलेराइड पर आपतित होता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता है, तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता है यहाँ पे 42। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो 42 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पे I0/2 यानी कि 3 नंबर, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन, लेंसों का आवरणक संयोग बनाया जाता है, लेंसों का आवरणक संयोग बनाया जाता है, तो यहाँ पे दो उत्तल लेंसों को मिलाकर, दो उत्तल लेंसों को मिलाकर, दो अवतल लेंसों को मिलाकर, एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस मिलाकर, लेंसों का आवरणक संयोग बनाया जाता है एक उत्तल और एक अवतल लेंस मिलाकर, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहीं पे आप 44 नंबर देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली एक धातु की सतह को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटानों से प्रकाशित किया जाता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी, तो कितनी होगी इसकी गतिज ऊर्जा, 0। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन, तो 45 नंबर का क्वेश्चन है कि एक एक्सरे नलिका पर 5 किलोवोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है तथा उससे प्रवाहित धारा 3.2 मिली एम्पियर है, तब प्रति सेकंड टारगेट पर टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 45 का यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, 2×10^16। ध्यान दीजिएगा 46 में, ध्यान दीजिए, किसी नाभिक का द्रव्यमान घनत्व उसकी द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर करता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, A0, ठीक है ना, सी ऑप्शन। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन, एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श का अर्ध आयु समय 5 मिनट है, 20 मिनट में 6 पदार्थ का मान होगा, 20 मिनट में 6 पदार्थ का मान होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 93.75%, 75%, तो यहाँ पे ऑप्शन आप पहचान लिए होंगे कि 93.75%, ठीक है ना, ए ऑप्शन 47 का। इसी तरह से आप 48 का ध्यान से देख सकते हैं कि एक बिना बायस पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं, क्या होते हैं, ध्यान, केवल इलेक्ट्रॉन, केवल कोटर, इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों, 48 यहाँ पे 48 का डी, ना इलेक्ट्रॉन होंगे और ना
क्वार्टर होंगे। ठीक है, 49 में ध्यान दीजिए, 49 में भी दिया गया निम्नांकित में कौन लेजर पुंजों का गुण नहीं है। तो लेजर पुंजों का गुण नहीं है, आदि तीक्ष्ण एक वर्णी दिशात्मक, इसका ऑप्शन डी असंगत हो जाएगा, असंगत। आइए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 पे अगर हम ध्यान दें, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 तो कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित लॉजिक गेटों के संयोजन में लॉजिक अवस्था की निवेशिता ए इज इक्वल बी इज इक्वल 1 तथा सी इज इक्वल 0 है, तो लॉजिक अवस्था का निर्गत होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे बी नंबर। ठीक है, ये बी नंबर सही हो जाएगा। इस तरह से आपके ये UPSEE और इसके अलावा अन्य कम्पटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आने वाले प्रश्न हैं ये, जो कि स्पेशली तो UPSEE के लिए था, लेकिन ऐसे ही प्रश्न और भी अन्य अदल मेडिकल एंट्रेंस या इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं। ठीक बच्चों, तो मैंने आपको 50 क्वेश्चंस का आंसर बता दिया। अब नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।